डर जाए। कौन सी बेटा? भैया जी निवेदन है, तर्ज को पहले सुनेगा उसके बाद मर्ज को सुनेगा। बिल्कुल, क्योंकि हम अपनी बात पहले करते हैं, क्योंकि अभी मैं इतनी बड़ी कीर्तनकारा नहीं हुई हूँ कि अपनी धुनों की रचना कर सकूं, इसलिए हम लोगों को बंबई वालों का सहारा लेना पड़ता। बिल्कुल जरूरी है बेटा, तो केवल सहारा ले रहे हैं तर्ज का, फिर उसके बाद मेरी ओर से मर्ज सुनिएगा, पहले फिल्मी फिर इल्मी। वाह भाई वाह, तर्ज आई भैया? बिल्कुल बिल्कुल, लाइन कहती है आदेश भैया तर्ज को सुनेगा। अरे तुम बुलाओ मैं ना आऊं। शाबाश बेटा शाबाश शाबाश। हमारे भैया लोग सभी लोग हमारी बिटिया नाराज हो गई, तो देखिएगा मेरी तर्ज कहती है भैया जी सुनिएगा। आदेश भैया सज्जन भैया, क्या ऐसा हो सकता है? तुम बुलाओ मैं ना आओ, सुनेगा क्योंकि सुनने वाले भैया दत्ता लोग बैठे हुए हैं। निवेदन करूंगी पहला गीत आप लोगों के बीच में माता रानी के चरणों में है। अरे जब जब भी इस धारा पे बढ़े आसुरी शक्ति, किसी न किसी देवी और किसी न किसी देवता के रूप ये बात। और जब बढ़ा तो मेरी पंक्ति कहती है रानी दादा जी क्या, अरे जब जब भी इस तरह पे बढ़े आसुरी शक्ति और अधर्म की निज कहानी गढ़े आसुरी शक्ति, जब भी चढ़े आसुरी शक्ति और शक्ति की शक्ति से कहे वो आसुरी शक्ति, ऊपर जो असुर ने तबाही मचाई है इस धरती पर भैया जी, अरे भू पर जब एक असुर ने तबाही मचाई है, सूरज शांत सभी देवों की टुकड़े मिटाई है, क्यों देवों के महादेव
शरणागतम शरणागतम। रक्षा करो महाराज, रक्षा चाहिए। और जब कहा भोलेनाथ ने माता भवानी की ओर देखा तो माता ने अपनी काली काली छवि बनाई। भैया जी निवेदन है। और जब देखा भोलेनाथ बैठे हैं, माता भवानी बैठी हैं, और जैसे ही एक दूसरे की ओर देखा भगवान भोलेनाथ के कंठ से और माता भवानी के शरीर से एक मिलन हुआ और उससे एक शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। क्या बात है भैया जी, एक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। अब देखिए वो शक्ति क्या कर सकती है, ध्यान दीजिएगा भैया जी। उसका काम तमाम हो गया। जय हो। काम तमाम हो गया। सभी लोग परेशान हो गए। और जब परेशान हो गए भोलेनाथ ने देखा एक बालक का रूप बना लिया। और जब रूप बना लिया तो लेकिन माता ने क्या किया है सुनिए सभैया जी। अरे शिव को लेके गोद में दूध पिला गई। शाबाश। बालक का स्वरूप देखा, इस निशान में पहुंच गए भगवान भोलेनाथ। माता रानी का क्रोध शांत करने के लिए माता रानी ने भोलेनाथ को देखा, ममता जाग उठी। और जब जाग उठी तो को लेके गोद में दूध पिला माता रानी ने भगवान भोलेनाथ को दूध पिलाया। और भगवान भोलेनाथ ने ऐसे दूध पिया कि माता रानी की पूरे क्रोध को खींच लिया। कैसे सुनेगा भैया जी। शिव के सुर जब पास आए भगवान भोलेनाथ के पास, भैया जी शिव के सुर जब पास आए ऐसी लाचारी बने कि बाबा अब आपकी शरण में है प्रभु, अब आप ही जो करें। तो क्योंकि उस राक्षस को वरदान था उसकी मृत्यु एक नारी से होगी। सभी देवता लड़ने पहुंचे लेकिन नारी बनकर अब समस्या आ गई है कि नारी बन के गए हैं, नारी है नहीं। बिल्कुल नारी है नहीं। और जब ऐसा देखा तो देखिए होता क्या है भैया जी। सुनते ही अंश को विष से मिला गई। ये बात माता भवानी ने भगवान भोलेनाथ के कंठ में जो विष है उससे अपनी शक्ति को जोड़ा, एक शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। तो कहना पड़ा भैया सुनते ही विष से मिला गई।
पंक्ति कहती है भैया, शांत ना है रूप दिखता, माता रानी शांत नहीं हुई है, तभी शांत ना जब रूप दिखता, क्रोध ना अंतर में कम, क्रोध कम नहीं हुआ, क्रोध में आकर माता रानी ने उस राक्षस को भस्म कर दिया। और जब भस्म कर दिया, शांति ना, महारानी का क्रोध शांति ना हुआ, क्रोध शक्ति ला गई, तो शिव को लेके क्रोध में दूध पिला, अब दूध पिला गई। आज होता क्या है, एक समस्या आ गई कल्पना जी, अरण्या कल्पना जी, समस्या कहां पर आती है, निवेदन है सुनिएगा आप लोग भी। शिव के स्तनपान करते बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश। भैया जी निवेदन है, अंतिम पंक्तियां सुनेगा। हाँ। एक समस्या आ गई, हुआ क्या, अरे शिव के स्तन पान करते ही हुई बेहोश माँ, माता रानी बेहोश हो गई। हाँ। लो भैया, और जब बेहोश हो गई तो एक समस्या आ गई, शिव नहीं पर सब व्यथित हैं, भोलेनाथ परेशान नहीं हुए लेकिन सारे देवी देवता परेशान हो गए कि आखिर माता रानी बेहोश कैसे हो। भैया शिव नहीं पर सब व्यथित माँ, कैसे आए होश माँ, आखिर माता रानी होश में आए तो कैसे आए, और जब ऐसा देखा तो मुझको कहना पड़ा, शरण में दीदी को ढंग दिखला गई, शरण में आदित्य को ढंग दिखला गई, शिव को लेके कुछ में तो कुछ सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए, चूंकि हमें थोड़ी आवाज ऊंची करनी पड़ेगी, मतलब आवाज ऊंची नहीं करनी पड़ेगी, लाउड करनी पड़ेगी तेज, कारण उसका है चूंकि मैं पहली बार आई हूँ तो आप तक जुड़ने का प्रयास करूंगी, प्रयास करूंगी कि आप तक पहुंच जाऊं, काफी बढ़िया प्रयास किया है, बहुत बढ़िया बेटा, आदरणीय रिंकी दीदी ने जो भी आपने जवाब दिया है बढ़िया है, अच्छा है, लाजवाब है, बिल्कुल जिसका कोई जवाब नहीं वो लाजवाब है, सुंदर है, अति सुंदर है, और क्यों ना सुंदर हो, जो हमारी दीदी इतने सुंदर है तो जवाब तो सुंदर होगा ही। आपने एक हल्का सा तर्क उसमें किया है कि ओम का होम नहीं होता है, ये हमारे भैया लोग जानते हैं,
ये मुझे भी जानकारी है। मैं गीत के माध्यम से बता रही हूँ कि वो असुर कह रहा है मैंने सबको जीत लिया है, ब्रह्मा विष्णु हार गए हैं, बस ओम का होम बाकी रह गया है। फैलाने नहीं देती, सोचते तो हम भी हैं कि परदेश जाएं कमाने को, मगर ये आप सबकी मोहब्बत है जो कहीं जाने नहीं देती। क्या बात है, कमाने निकल गए, पीछे मुड़ के देखा तो पता चला कि जमाने निकल गए, सोचा कि कुछ वक्त गुजार लूं बच्चों के साथ, घर वापस आया तो पता चला कि बच्चे भी कमाने निकल गए। विश्वास मानिए, तुम बुलाओ मैं ना ऐसा जाए नहीं, लेकिन मैं तो इतना कहूंगी। कितना बेटा? पप्पू भैया पुरस्कार मैं अभी बोल दूंगी, और पुरस्कार जैसे कि आदेश मिला था कि बीच बीच में ना बोले, सही है, लेकिन थोड़ा गीत विराम करके बोल देना जरूरी इसलिए है, अगर पुरस्कार एक बार नहीं बोलेंगे तब तक बोलेगा नहीं, तब तक दोबारा नहीं आएगा। कहीं पहले तो अभी बोला नहीं, दूसरा गाय थी, और क्या नुकसान हो सकता है। टकरा गया? नहीं दीदी जी, ना ना ना, ऐसा ना करो। सुनेगा भैया, अरे कारी इनोवा दीदी जी को आ गई, और आपने दी आवाज तो दीदी आ गई। क्या बात है बेटा, फोर व्हीलर गाड़ी से आई दीदी, कहां पर्वतों से हाईवे से चल के आए सीधे। सुनिएगा, लेकिन फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। क्या ये पर्वतों से हाथ में कटे आ गया,
पुरस्कार आ गया। ये श्री वैजनाथ मौर्य जी जो कि कमेटी सदस्य सहरापुर से हैं, आदरणीय श्री वैजनाथ जी के कर कमलों से 101 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। और ये टोंटपाल सहरापुर तन की मोहब्बत में खुद को तपाई बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। भैया के कर कमलों से 101 पद मुद्राएं प्रदान हुई हैं, हृदय से नमन है। और वतन के प्रति आपने हिंदुस्तान के प्रति इतनी सुंदर लाइनें पढ़ी हैं, तो मैं तो भैया जी यही कहूंगी, हम हर बात का जवाब गहरा देंगे क्योंकि हमारे बाबा बजरंगबली पहरा देंगे। हिंदुस्तान की बात छोड़ो, हम तो पाकिस्तान में भी तिरंगा लहरा देंगे। झंडा ही नहीं बल्कि तुझे वंदे मातरम कहने के लिए मजबूर कर देंगे। क्या बात है, ये हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। चचा रहीम खान जी जो कोरस करा रहे हैं, आपकी ऐसी आदरणीय वाणी सुन करके दादा रहीम खान जी हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। चचा यही कहूंगी कि सूखे गुल देख कर गुलिस्तान रो पड़े, अगर कोई इंसान मारा जाए तो इंसान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों कि हिंदू का घर जले तो ये मुसलमान रो पड़े। ये दीवार ना गिरने देना। मनीषी राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी लखनगांव से 101 पद मुद्राएं हैं, आदर्शी अवधेश सिंह जी सहरापुर से भैया के कर कमलों से 101 पद मुद्राएं हैं, आदरणीय श्री शिव कुमार उपाध्यक्ष नव दुर्गा पूजा समिति सहरापुर भैया के कर कमलों से 101 पद मुद्राएं हैं, आदरणीय श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी पूरे बेसन से 101 पद मुद्राएं हैं, भैया श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी नव दुर्गा पूजा समिति सहरापुर 101 पद मुद्राएं हैं, आदरणीय श्री राजेश रासी गांव से 101 पद मुद्राएं हैं, भैया श्री ननकौ सिंह जी सेंगर सहरापुर से 101 पद मुद्राएं हैं। भैया को ढेर सारा धन्यवाद है, स्वागत है आपका। गीत आया है कौन सा? के क्लास हाउस लखनऊ, अच्छा लखनगांव, आपके कर कमलों से 51 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। आपका गीत आया है कौन सा? सुनते ही निज अंश को विष से मिला गई, शिव को लेके गोद में दूध पिला गई। अदनिया दीदी जी, प्रयास करोगी कि आपके बेहतरीन से गीत का मेरी ओर से छोटा सा प्रयास बन जाए, जैसे कि आपने ओम बाकी आपने कहा नहीं है सोम बाकी, ठीक है बढ़िया है, अच्छा है। आपने कहा यहाँ इतना प्रेम मिलेगा कि ये चचा के लिए 101 पद मुद्राएं, धन्यवाद भैया आपका, इसको देखे रहना। करुणा शंकर पाटी पूरे पांडे, मानिए हमारे चचा जी के लिए 101 पद मुद्राएं आपने प्रदान किए हैं, नमन है। नव दुर्गा पूजा समिति सहरापुर मान्य श्री सज्जन सिंह जी अध्यक्ष, आपके कर कमलों से 101 पद मुद्राएं हैं, नमन कर रही हूँ अध्यक्ष जी को। आपने कहा कि सुबह तक पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा प्यार नहीं पूरा हो जाएगा। मैंने तो दीदी पहले कहा था कि हमको ऐसा लगा ही नहीं कि बाकी रह गया हो, सब कुछ पूरा हो गया था, बस आपका आना बाकी रह गया था। और क्या, चले जवाब सुनेगा सुनो।
माता भवानी भोलेनाथ दोनों एकांत में है। माता भवानी कहती भोलेनाथ हमको भूख लगी है, हमको भूख लगी है, भोलेनाथ हमको भूख लगी है। लेकिन भोलेनाथ कोई जवाब नहीं दिया। माता ने बार बार आग्रह किया, जब भोलेनाथ ने नहीं सुना, आदरणीय दीदी जी जवाब के रूप में ला रही हूँ, आप कह रहे हैं गोद में लेके दूध पिला गई, कुछ और माता भवानी कर दे तो आप लोगों का आशीर्वाद है। सुनिए सुनिए, अरे हो सुनिएगा अरे हो के सुहागन विधवा रूप में ढल गई। अबे जी, अरे अपने उधर में अपने पति को निगल गई। माता भवानी को कुछ नहीं सूझा, माता भवानी भोलेनाथ को ही खा गई। अरे अपने उधर में अपने पति को निगल भोलेनाथ बाहर कैसे आए? कैसे आप करी माता बेहोश हो गई। सुनेगा भोलेनाथ कैसे आ रहे हैं? कैसे रोम रोम से लगी निकल, रोम रोम से लगी निकल, देखो धूम राती है, धूमवती माँ कहलाओगी। माता के रोम रोम से धूम राशि निकली। सुनेगा सुनिए धूमवती कहलाओगी, कहे ये कैलाशवासी है। भगवान भोलेनाथ ने कह दिया देवी जाओ जाओ, आज से तुम्हारा नाम धूमवती हो जाए।